हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सी एस आई आर एसओ एंड एएसओ 444 वैकेंसीज आती हैं और जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उनके अब कई तरह के सवाल आ रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये है कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा। तो इसी सवाल का जवाब देखिए आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, बहुत शॉर्ट में 2-4 मिनट के अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें। तो आप देखिए स्क्रीन में आपको ज्यादा ना घुमाते हुए सीधे लेके जाऊंगा डिटेल नोटिफिकेशन में। यहां पर आप पेज नंबर 7 पे आइए, ठीक है। पेज नंबर 7 में देखिए एवोल्यूशन पॉइंट 6 देखिए, ठीक है। इसमें क्या है यहां पर देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग ए फॉर्मूला एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। द फॉर्मूला विल बी डिसाइडेड बाय सीएसआईआर एंड विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली थ्रू सीएसआईआर वेबसाइट। तो इन्होंने कहा है कि अगर एग्जाम, देखिए मैं इसको जूम भी कर देता हूं, कि अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और एग्जाम आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में ही हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा। ये चीज यहां पर क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है कि देखिए बेसिकली सबको फेयर चांस मिले। देखिए मान लीजिए कि सब कुछ मिलाकर अगर टोटल 15 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया है, किसी में मॉडरेट आया है, किसी में हार्ड आया है। तो भाई जिनका पेपर हार्ड आया है वो तो भाई 150 में से मान लो 100 ही स्कोर कर पा रहे हैं, और जिनका इजी आया वो 120 कर रहे हैं, जिनका मॉडरेट आया वो 110 कर रहे हैं। तो सिलेक्शन तो ईजी वालों का हो जाएगा, बाकी तो पीछे रह गए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन का जो है वो रूल अपनाया जाता है, फॉर्मूला अपनाया जाता है ताकि सबको फेयर चांस मिले। अब नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं कि सबके 10-10 नंबर ही बढ़ जाएंगे, सबके 12-12 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे, आपकी शिफ्ट का पेपर का लेवल क्या था, बाकी शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या था। हो सकता है किसी का एक ही नंबर बढ़े, हो सकता है किसी का 8 नंबर बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड रहती है, ठीक है। तो क्लियर कट जवाब ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होगा, क्लियर है चीज। तो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है, बाकी और कुछ है नहीं इसे बताने के लिए। और आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग में इस समय देखिए सिलेक्शन मेरा प्यार सेल चल रही है, वैलेंटाइन डे का मौका है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए उनका पहला फोकस, पहला प्यार, सब कुछ जो है सिलेक्शन है। और यहां पर सभी सुपर कोचिंग पर आपको जो है 90% तक का ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और एक चीज और है, अभी यहां पर देखिए अगर आप कोई सुपर कोचिंग लिया है, आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आपको नौकरी मिलती है, तो जो आपने पैसा दिया था सुपर कोचिंग को परचेस करने में पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाता है। अब देखिए कैसे आपको ऑफर मिल रहा है, जैसे आपका जो है यहां पर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो सुपर कोचिंग है जिसमें आपका CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट तीनों कवर होते हैं, वो सिर्फ 742 मिल रहा है 8 महीने के लिए, ठीक है। आपका जो है सुपर पैक एसएससी का 890 मिल रहा है, दिल्ली होम का 269 मिल रहा है, सीएसआईआर एसओ एंड एसओ 649 में। तो सब कुछ आपको यहां पर मिनिमम प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है। और कोई सवाल, कोई डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल अनुराग सर टेस्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ जाइए, मेरे साथ सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। सुपर कोचिंग कैसे परचेस करनी है, तो आप डायरेक्ट जो है एसएससी की वेबसाइट वगैरह से परचेस कर सकते हैं। आप कोई भी सुपर कोचिंग लीजिए, DSSB में अभी एक MTS का नोटिफिकेशन आया हुआ है, DSSB में जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं, 2354 वैकेंसी जो आई थी नॉन टीचिंग की, इसमें LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो वगैरह थे, उसकी तैयारी कर, सभी सुपर कोचिंग अवेलेबल है। जैसे इस समय मान लीजिए आप कोई भी सुपर कोचिंग ले रहे हैं, SSC का सुपर पैक ही ले रहे हैं, आपके SSC के सारे एग्जाम को CGL भी है, सुपर पैक भी है, DSSB, LDC, जूनियर असिस्टेंट देखिए 740 मिल रहा है। तो आपको क्या करना, बस डिस्काउंट के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप कोई भी सुपर कोचिंग ले सकते हैं अनुराग कूपन कोड लगा के। अब देखिए मान लो DSSB का 1071 रुपए का है, आप कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाएंगे वैसे ही आपको जो है यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 696 में एग्जाम डेट तक भी आपको DSSB, LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो की सुपर कोचिंग मिल रही है। ऐसे अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, तो पास प्रो के साथ जुड़ जाइए, 1 साल का पास प्रो 399 और 2 साल का 549 का मिलता है। इसमें डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAG PASS, और आपको 1 साल का मिल जाएगा 359 और 2 साल का 494। तो जल्दी जाइए, इन ऑफर्स का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। फिलहाल सेशन और वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।